सो गाइज, आपको तो पता होगा यार, पल्सर जो है नए मॉडल में आ रही है, मतलब न्यू पल्सर आ रही है, और आपको नहीं पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं भी पता तो चलिए मैं बता देता हूँ, 28 तारीख को जो है पल्सर आने वाली है, न्यू मॉडल पल्सर 250 है। अब हो सकता है वो 250F भी हो, एंड एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक भी आएगी इनकी, जो कि हो सकता है NS250 हो। तो यहाँ पे जो है इस दो नए मॉडल्स आएंगे जिनके लिए आप वेट कर सकते हो। यदि वेट नहीं करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, बिकॉज जो लॉन्च है वो लाइव चलने वाला है हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रहे साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे जरूर से क्लिक कर लेना। तो चलिए इस भी बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में, जो आने वाले 3 से 4 दिन में लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। आपको बता दूं, सबसे पहला जो इनका मॉडल है वो जो है एक हाफ फेयरिंग मॉडल है, पल्सर 250F मान लो उसको, हो सकता है पल्सर 220F भी हो। लेकिन जैसा कि बोल रही है मतलब बजाज की भाई बिगेस्ट पल्सर होने वाली है, तो उस हिसाब से मैं मान लेता हूँ पल्सर 250F है। पल्सर 250F है जो कि नए नए फीचर्स के साथ में लॉन्च होने वाली है, बट इतने भी एडवांस नहीं होंगे कि आपकी R15 या फिर न्यू MT15 को कॉम्पिटिशन दे पाए। अभी बात कर लेते हैं दूसरे मॉडल के बारे में। दूसरा मॉडल जो इनका आने वाला है, वो आने वाला है NS200 या फिर NS250। यदि टायर साइज वगैरह देख के मैं बोलूँ तो हो सकता है कि NS200 ही हो। यदि फिर भी ये बोल रहे हैं बिगेस्ट, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये एक बड़ी बाइक हो, तो फिर तो ये 250 हो ही सकती है। अभी तक नेम कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। फीचर्स कंफर्म है कि फीचर्स क्या होंगे, तो चलिए फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो पल्सर 250F होने वाली है वो जो है एक हाफ फेयरिंग बाइक होगी। जो फ्रंट लुक है वो आप देख सकते हो फोटोज़ में, फ्रंट लुक जो है अच्छा खासा दिया है, बट इतना भी बेटर मैं नहीं बोल सकता इसको। फ्रंट में जो आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, उसी के साथ में जो है DRLs आपको देखने मिलेगी, इंडिकेटर्स जो है आपको LED में देखने को मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर दोनों में ही। फ्रंट में जो आपको ABS मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS आपको इस मॉडल में देखने मिलेगा, ड्यूअल चैनल ABS वो अभी कन्फर्म नहीं है, हो सकता है आपको ड्यूअल चैनल ABS ही देखने को मिले। जिस हिसाब से इसका पूरा डिज़ाइन बनाया गया है, थोड़ी सी हल्की लग रही है, ज़्यादा मस्कुलर नहीं लग रही, तो मेरे को लगता है ये 150 से अबाव और 200 से नीचे नीचे होने वाली है CC में। तो देखते हैं, वो तो 28 तारीख को पता चल जाएगा जब लाइव चलेगा हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लेना। अभी बात करता हुआ इसके अदर फीचर्स के बारे में, तो मीटर कंसोल जो है आपको सेमी डिजिटल देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपको RPM मीटर जो है एनालॉग में देखने मिलेगा, स्पीडोमीटर जो है डिजिटल में, जैसा कि अभी तक इनका चलता आ रहा है बिल्कुल वैसे ही जो है उसी पैटर्न में देखने मिलेगा। नए नए फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे वो अलग बात है, जैसे कि रियल टाइम माइलेज क्या दे रही है, क्या एवरेज माइलेज है, उसके अलावा जो है आपकी टॉप स्पीड रिकॉर्डर उसमें देखने मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। बात करता हूँ इंजन के बारे में, तो इंजन में जो आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगी, कोई क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं देखने मिलेगा, जो कि आई थिंक यामा या फिर जो है जापानीज कंपनी के अलावा इंडियन कंपनी जो है काफ़ी कम दे पाती है ऐसे फीचर्स, तो वो पता चल जाएगा जब भी ये आएगी तब। अभी आपको बता दूँ सेकेंड मॉडल के बारे में, जो सेकेंड मॉडल है गाइस वो है इनका NS250। NS250 में जो आपको क्या मिलेगा आपको बता देता हूँ। NS250 में सबसे पहले लुक बिल्कुल MT03 जैसा, काफ़ी बड़ा सारा प्रोजेक्ट हेडलैम्प आपको फ्रंट में देखने मिल जाएगा। उसके बाद में आपको 2 DRLs देखने मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल MT15 या MT03 वाली याद दिलाती है। तो जो MT03 का वेट कर रहे थे वो जो है अभी इसका वेट करो, बिकॉज वो जो है बिल्कुल सेम वैसे ही आ रही है देखने में। तो ये जो है थोड़ी सी मस्कुलर दिखती है, लेकिन मैं 250F को ज़्यादा मस्कुलर नहीं बोल सकता, इसलिए मैं उसको बोल रहा था कि 155 cc से अबाव और 200 से नीचे नीचे हो सकते हो बाइक। अभी बात करते हैं इस बाइक के बारे में, NS सीरीज के बारे में। तो आपको पता है NS200 को भी काफ़ी टाइम हो गया लॉन्च हुए, मतलब नए मॉडल में, तो हो सकता है कि NS200 ही हो। बिगेस्ट तो हम बोल रहे हैं कि हाँ यार ये बिगेस्ट है, बट देखते हैं अब कितनी बिगेस्ट है 28 तारीख को। अभी आपको बता दूँ फीचर्स के बारे में, दोनों ही बाइक्स में जो आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, दोनों ही बाइक में सेम वही मीटर कंसोल है सेमी डिजिटल, जिसकी कि फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा जो कंट्रोल्स है, हैंडल कंट्रोल्स वगैरह, वो सब सेम है जैसे अभी तक हमें देखने को मिलते आ रहे थे। टैंक साइज़ वगैरह जो है कोई कंफर्म नहीं है कितने लीटर का कितने लीटर का नहीं है, लेकिन 10-12 लीटर से ऊपर ही होने वाला है, जैसा कि इन्होंने KTM के साथ किया है। उसके बाद में जो है टायर साइज, रियर में 130 लग रहा है मेरे को दोनों ही बाइक्स में, और फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर। तो टायर साइज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन का समझ में नहीं आ रहा, इंजन जो है मेरे को 200 cc का लग रहा है। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि दोनों मॉडल्स के क्या नाम हो सकते हैं और कितने सीसी में दोनों मॉडल्स हो सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता दी जाना। अभी जो है इसे आपको बता दूं,
इन दोनों ही मॉडल्स की सीटिंग के बारे में। दोनों ही मॉडल्स में जो आपको स्प्लिट सीट मिलेगी जो कि कंफर्ट आपको अच्छा खासा दे देगी। हेडलाइट सिस्टम जो है सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो DRL है, एक हेडलैम्प है जो कि प्रोजेक्टर है। उसके बाद में जो है दोनों ही बाइक्स जो है देखने में अच्छी खासी लग रही है, बट रैप अभी हटी नहीं है, तो और ज़्यादा बेटर लगेगी जब इनकी रैप हट जाएगी और नए नए कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, ब्लैक कलर भी जो आपको देखने को मिल सकता है दोनों ही बाइक्स में, जो कि बजाज हमेशा देता है। लॉन्च 28 तारीख को हो रही है, आज से सिर्फ 3 से 4 दिन बाद। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, यहीं पर देखने को मिलेगी आपको पूरा लाइव लॉन्च, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी जो है आपको बता दूँ, दोनों बाइक्स के लिए वेट करना चाहते हो तो कर लीजिए, बिकॉज क्या पता आपको कुछ बेस्ट मिल जाए इन दोनों बाइक्स में। प्राइस जो है अंडर 1.50 लाख देखने को मिलेगी आपको दोनों ही बाइक्स, तो देखते हैं अब क्या प्राइस होती है और क्या नहीं होती। तो चलिए, आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अभी कोई भी आपके डाउट्स हो। हाँ, मैंने डिटेल में इतना नहीं बताया, क्योंकि उस डिटेल में कैसे बताएं यार, जब हमारे पास यही कन्फर्म नहीं है कि कितने सीसी का इंजन है। बात तो तभी बढ़ती है ना कि भाई इतने सीसी का इंजन, ये पावर है, ये परफॉर्मेंस है, तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में कि कैसी परफॉर्मेंस है कैसी नहीं है। दैट्स वाई जो है मैंने ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की। बाकी जो है इस डाउट हो तो कमेंट कर लेना, बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लो यार, 1 लाख फॉलोअर्स करा दो जल्दी से, हम गिव अवे का विनर अनाउंस कर देंगे। सो बाकी इसी कुछ आज की वीडियो में, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइज़।